वीर बहु तेरे हुए माँ भारती की गोद में, पर वीरता पुरुषों की केवल संपदा तो नहीं। लड़ने से न मर्दानी डरी, न जोहर से ठिठकी पद्मिनी। चित्तौड़गढ़ का उदय भी बलिदान था पन्ना का ही। ढाई पन्ना की छाँव में राणा उदय था पल रहा। चित्तौड़गढ़ जब आंतरिक मतभेदों से था जल रहा। इस वृतांत के हर प्रसंग का प्रत्यक्ष दर्शी काल था। एक मासूम के जीवन का रक्षक मात्र ममता की ढाल था। ये वीर गाथा किसी रानी महारानी की नहीं, बल्कि एक साधारण दाई माँ की है। बात उस समय की है जब राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा थे और उनकी पत्नी रानी कर्णावती वीर उदय की जन्म माता। परंतु अस्वस्थता की विवशता में पन्ना को चुना गया धाय माता। हरचंद्र पुत्री पन्ना थी स्वामी भक्तिनी और कर्तव्य निष्ठा की एक देवी। सिद्ध किया शीघ्र ही और माता से बढ़कर बनी उनकी छवि। पन्ना का पुत्र चंदन और कुंवर उदय साथ साथ पले और बढ़े। परंतु पन्ना को था ध्यान कि उदय का प्रेम पुत्र से कभी कम ना पड़े। फिर एक दिन खानवा के युद्ध में घायल हुए राणा सांगा उस वीर की मुट्ठी से जीवन निकल भागा। राणा संग्राम की प्रेरणा से बनी थी कर्णावती वीरांगना। एकाकी थी जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया, परंतु सीखा ना था भागना। कहा अपनी सेना से, निडर रहो, तुम्हें राणा जी का वास्ता। अधीनता स्वीकार नहीं शत्रु की, उससे पहले जल मरूंगी। मैं चित्तौड़ कुल की मर्यादा और सम्मान के लिए जौहर करूंगी। 13,000 रानियों के जौहर की चीखें चित्तौड़ के राजमहल में दब गई, लेकिन बलिदान कर्णावती का पन्ना के चक्षु में छप गया। सांगा और कर्णावती के विदा रुदन पर शुभ्ध था विधाता। विक्रमादित्य और उदय दो पुत्रों को छोड़ चले उसके पिता और माता। हे रानी, ये ना सोचना कि उदय की कोई माँ नहीं। रखूंगी ध्यान, प्रेम उदय को कम पड़े जरा नहीं। वचन जो आपको दिया मृत्यु तलक निभाऊंगी। उदय की सुरक्षा के लिए मैं मृत्यु से भी बैठ जाऊंगी। कुंभा महल की सुरक्षा में बालकों की परवरिश थी चल रही। एक माँ की दुलार पुचकार में मासूमियत थी पल रही। किसे ज्ञात था कि सांगा का एक सेवक ही सिंहासन हड़पने को बरसों से था अधीर। मृत्यु पश्चात राणा सा के ये धूर्त बन बैठा महामंत्री। नाम था जिसका बनबीर। महामंत्री पद से इस महत्वाकांक्षी की लालसा शांत ना हुई, अपितु अब इसके वैशी मन में चित्तौड़ का शासक बनने की इच्छा जाग गई। चित्तौड़ का कोई वंशज आज नहीं बचेगा। विक्रमादित्य को तुम मार चुका हूं, आज उदय सिंह भी मरेगा। बस एक मौका चाहिए, फिर सब कुछ मेरा। रानी कर्णावती और राणा सांगा का रखना होगा मान। मैं अपने प्राण निछावर करके भी बचाऊंगी उदय की जान। सेवक सुनो, हर हाल में उदय सिंह को संरक्षण देना। मृत्यु की काली छाया जो मिले तो भेंट अपना तन कर देना। ये मात्र उदय सिंह नहीं, मेवाड़ का सम्मान है। राणा सांगा और कर्णावती के वंश की शान है। अति शीघ्र उसने बाल उदय को एक बांस की टोकरी में सुला दिया और ढक कर जूठे पत्तलों से सेवक संग महल के बाहर तक विदा किया। हे भगवान, मेरे उदय की रक्षा करना, कहीं कहीं वो राक्षस बनवीर उसे देख ना ले। ये पाप ना हो, मैं अपने पुत्र चंदन को युवराज के वस्त्रों में शाही पलंग पर लिटा दूंगी और उदय सिंह के महल में ना होने का हर साक्ष्य मिटा दूंगी। जिगर के टुकड़े पर मौत मंडराते देख मां के हृदय में चीत्कार मची।
पता था असहाय को कि एक पुत्र की खातिर दूसरे को मौत के घाट उतार रही, परंतु माँ की ममता पर स्वामी भक्ति भारी पड़ी। राणा सांगा और कर्णावती को दिए वचनों पर पन्ना थी अडिग खड़ी। हे धाय, कहाँ है उदय सिंह? उदय सिंह कहाँ है? वर्षों की प्रतीक्षा थी ये कि राज सिंहासन मिले, सांगा मरे, वंशज हो खत्म, पूर्ण अधिकार हो मेरे पैरों तले। लाशें बिछाई, हत्याएं की, तुझको भला क्या छोड़ूंगा? मैं मार कर तुझे इस राज्य का राजा बनूंगा। हे बंदी, हुआ क्या है? आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? राणा सांगा के वंशज उदय सिंह तो उस पलंग पर सो रहे हैं। चंदन को उदय सिंह समझ बनवीर उसकी ओर बढ़ा। तो यहाँ इस राजसी पलंग पर सो रहा है? चित्तौड़ का सिंहासन होगा तेरा, यह अभिमान न कर। ले सांगा के आखिरी वंशज उदय सिंह, अब तू भी मर। मां पन्ना बुत बन खड़ी रही, हत्या पुत्र की देखी फिर भी कर्तव्यों पर अड़ी रही। बनवीर के जाते ही पुत्र के शव को सीने से लगा लिया। रक्त से लसरा मां का आंचल और पुत्र आंसुओं से भीग गया। हमें रोना नहीं है, अपने पुत्र के शोक में आंसू बहाने से ज्यादा जरूरी है सिसोदिया कुल के राजवंश को बचाना। सेवक, मुझे किले से बाहर निकालो, पिता के घर जाना है, मिथ्या प्रचार करो। राजकुमार को ले दक्षिण भाग से निकलेंगे, अपने गांव के गोत्री गुर्जरों से सहायता लेंगे। बेरिस नदी पर उदय सिंह को सुरक्षित देख हृदय से लगा लिया। आंसू भी थे, हंसी भी थी, जैसे सब खो के कुछ पा लिया। मासा, आप इतना क्यों रोती हैं? क्या क्या हुआ कुंभा की चार दीवारी में, पुत्र तुम्हें बताऊं क्या? चीखें दबी, रक्त बह गया, और तुम्हारा भाई चंदन ना रहा। चंदन, माँ, हम चंदन के हत्यारे बनवीर को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये उचित समय नहीं है। आपकी रक्षा करना ही अभी सर्वोपरि है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेवाड़ी आन का क्या होगा? आपके चंदन का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए कुंवर सा। जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, हमें किसी सुरक्षित जगह आश्रय लेना होगा। सेवक, देवल प्रतापगढ़ चलो, शासक जहां सिंगराव है, शायद हमें वहां आश्रय मिल जाए। निराशा मिलने पर भी पन्ना ने हार नहीं मानी, शेरनी की भांति कर्तव्य डग पर आगे बढ़ती गई। अंत में कमलेश्वर पहुंच शासक आशा शाह से कहा, हे राजन, संरक्षण दो, संकट आया है बड़ा। दुखड़ा सुन पन्ना को ढाढ़स दिया, परंतु रक्षा सहायता में असमर्थता प्रकट की। किंतु उस समय राजमाता भी थी वहां खड़ी। हे आशा, तुम्हारे किस काम का ये अधिपत्य? क्या इसी दिन को देखने के लिए मैं आज तक जीवित रही? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तू एक अभागन स्त्री को देखकर भी देख क्यों नहीं रहा है। ये स्त्री इस बच्चे को उस राक्षस के पंजों से छुड़ा कर लाई है, और एक तू है इसे रखने में भी आनाकानी कर रहा है। क्या तेरे पास साधनों की कमी है? यदि नहीं, तो फिर तेरे इस राज्य का क्या लाभ, जो एक नन्हे से बच्चे को भी शरण नहीं दे सकता? आज से इस बच्चे की सुरक्षा का भार मेरे ऊपर है, तुम निश्चिंत रहो। धन्य है राजमाता जो रक्षा का वचन दे दिया।
इस संकट की घड़ी में पुत्र उदय को आपने गोद ले लिया। रक्षा उदय की स्वयं जब देवी करे तो कौन उसे मार पाता। पहले रानी कर्णावती और अब आप जैसी मिली उसे महान माता। दुराचारी बनबीर को उदय जीवित है ये ज्ञात न होने दूंगी, इसलिए एक क्षण और मैं यहाँ न रुक सकूंगी। गुप्तचरों से जानकारी कोई बनबीर को मिले इससे पहले दुर्ग लौट जाऊंगी। दायित्व पूर्ति की खातिर राजकुमार का जीवन बचाऊंगी। चित्तौड़ के सरदारों को संज्ञान जब ये मर्म हुआ, कोई और नहीं पन्ना ही थी जिसके हाथों ये धर्म हुआ। धन्य है वो माता जिसने अपना पुत्र खोकर चित्तौड़ को उदय दिया। नारी से वीरांगना की यात्रा होकर निर्भय किया। पन्ना धाई के बलिदान से हम अभिभूत हुए। चित्तौड़ का सौभाग्य है कि उसकी माटी में उन जैसे विभूत हुए। इतिहास में त्याग का जब जब किया जाए कथन, पन्ना धाई के बलिदान बिन न पूर्ण हो कोई वर्णन। तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी। धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वारे पन्ना देवी। तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई। तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। हृदय लुटाना सिखा गई। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें।